हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन दिस इज पार्ट थ्री ऑफ द सीरीज फॉर एचपीटीजीटी कमीशन तो देखिए आज शुरू करते हैं पर उससे पहले जो इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट जिन्होंने किया है वो है राजेश शर्मा जी राजेश शर्मा जी तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने पावर सेट तक कम्प्लीट किया था अब आगे देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट ठीक है आज हम करेंगे यूनिवर्सल सेट एंड डायग्राम ऑपरेशन ऑन सेट्स ठीक है क्या क्या ऑपरेशन सेट पे लगाए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड फॉर्मूले दैट इज यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ठीक है तो चलो शुरू करते हैं देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है फ्रेंड्स ऐसा सेट जिसमें से या जिसके ऊपर हम क्या करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ठीक है मतलब कोई मेन सेट मेन होगा और उसके क्या होंगे सबसेट होंगे उसे क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट ये आज हम डायरेक्ट एनसीआरटी से कर रहे हैं जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दिखा दूंगी ठीक है अब देखिए नेक्स्ट वेन डायग्राम क्या होता है जब हम ज्योमेट्रिकल वे में यानी कि रेक्टेंगल और सर्कल्स का रेक्टेंगल और सर्कल्स का यूज करके जब क्या है सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं वेन डायग्राम कहते हैं इसमें जो रेक्टेंगल है ये किसको बताएगा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल क्या होता है यूनिवर्सल सेट और ये क्या होते हैं इसके सेट या सबसेट्स ठीक है ये ये भी सेट है और ये भी सेट है पर यू जो है एक पूरा सेट है और सर्कल जो है उसके छोटे छोटे सेट्स हैं उसी सेट से लिए हुए सेट बनते हैं ठीक है एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट है वन टू थ्री और अप टू टेन दस तक नंबर लिख रखे हैं देखो ये सेट ले लिया ना इसमें दस तक नंबर लिख रखे हैं अब इसमें से एक सेट लिया ए जिसमें क्या क्या है टू फोर सिक्स एट टेन है तो टू फोर सिक्स एट और टेन जिस जिसके अंदर आ गया उसका नाम क्या रख लिया ए और उसको किस में बना दिया सर्कल में तो ये क्या होगा इसका एक सबसेट ठीक है फ्रेंड्स तो यू भी सेट यूनिवर्सल सेट यानी कि जो पूरा सेट है और उसके जो छोटे छोटे सबसेट होंगे उनको किससे दिखाते हैं सर्कल से दिखाते हैं अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग ऑपरेशन ऑन सेट्स ऑपरेशन ऑन सेट्स देखो फ्रेंड्स सेट में हम कितने तरह के ऑपरेशन पढ़ेंगे तीन टाइप के एक है यूनियन एक है इंटरसेक्शन और एक है डिफरेंस यूनियन में क्या होता है यू का साइन यूज होगा इंटरसेक्शन में उल्टा यू ठीक है उल्टा यू बना लो वो इंटरसेक्शन में है, और डिफरेंस में माइनस का ही साइन यूज होता है अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है यूनियन का मतलब है ऑल एलिमेंट्स ठीक है जैसे कि कोई सेट ए था और कोई सेट बी था ठीक है सेट और ए और बी हैं, ठीक है तो यूनियन का मतलब क्या होगा ए में जितने एलिमेंट है और बी में जितने एलिमेंट हैं, वो सारे मिला के लिख लो तो वो क्या हो जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन क्या होगा कॉमन एलिमेंट भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए और बी में जो जो कॉमन है सिर्फ वो लिख लो है ना और डिफरेंस में क्या होगा आइदर ऑफ सेट या तो ए के जैसे ए सेट है उसमें से बी माइनस कर दिया तो सिर्फ एक ही सेट के एलिमेंट आंसर में आते हैं दूसरा पूरा खत्म हो जाता है ठीक है अब इसको समझते हैं तो अभी देखिए फ्रेंड हमने क्या पढ़ा है यूनियन में क्या होंगे सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो ये देखिए एग्जाम्पल एन से एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व टू ए सेट ए था टू फोर सिक्स एट और बी सेट क्या है सिक्स एट टेन ट्वेल्व तो ए यूनियन बी क्या होगा टू फोर सिक्स एट लिख लो पहले उसमें ए यूनियन बी क्या हो जाएगा टू फोर सिक्स एट अब सिक्स एट यहां भी था सिक्स सेट यहां भी था तो एक बार आ चुका है ना तो रिपीट लिखने का कोई फायदा नहीं होता ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं सिक्स एट तक खत्म होने के बाद यहां से टेन और ट्वेल्व तो ये ये हो गया ए यूनियन बी यानी कि कंप्लीट ए सेट बन गया ए यूनियन बी का एक ठीक है इसको कहते हैं यूनियन इसी तरह से सारे इसमें क्वेश्चन होते हैं अब फ्रेंड्स जो यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार ये इंपॉर्टेंट है आप कर लीजिएगा देखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन जब हम यूनियन लगाते हैं ना दो सेट में तो कुछ प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है क्या वो प्रॉपर्टीज हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के इक्वल होता है इसे कॉम्युनिटेटिव लॉ कहते हैं ठीक है यानी कि आप ए यूनियन बी करें जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ठीक है चाहे तो आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए आंसर सेम ही आएगा नेक्स्ट क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ जैसे हम वो प्रीवियस छोटे क्लासेस में करते थे ना ए स्टार बी स्टार सी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी दो ब्रैकेट में पहले लिए बाद में दो लिए यानी कि एसोसिएटिविटी होल्ड करता है तो यूनियन क्या है एसोसिएटिव है ठीक है सेट्स के ऊपर अब देखिए ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए यानी कि जब ए का इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं किसी भी एलिमेंट फाई के साथ तो तो आंसर क्या आता है ए ही वही सेट आ जाएगा यानि कि जब किसी सेट को हम किसके साथ यूनियन करवाएं किसके साथ फाइव के साथ फाइव में तो कोई एलिमेंट नहीं होता ना तो वही आ जाता है इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या फाइ क्या होती है आइडेंटिटी होती है अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कोई भी नंबर जैसे नंबर में आइडेंटिटी क्या होती थी मल्टीप्लाई में भाई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि क्या आ जाए फिर से वही नंबर आ जाए है ना तो आइडेंटिटी हो गया फाई अब देखो ए यूनियन ए क्या होता है ए ही होता है इसको आइडेपेटोट इसे आइडम पोटेंट लॉ भी कहते हैं ठीक है ए यूनियन ए क्या होता है ए होता है इसे आइडम पॉटेंट लॉ कहते हैं यूनियन का सॉरी यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन करें ए के साथ तो यू ही आता है लॉ ऑफ यू हो सकता है ये आपको बोरिंग लग रहा है लेकिन एक बार कंसेप्ट के साथ पूरा चैप्टर वाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स सुनने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे देखो अब नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में क्या बताया था फ्रेंड्स कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में क्या आ रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स उल्टा यू का साइन है ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से इसको लिखते हैं अब देखो इसके एग्जाम्पल तो कोई कंसिडर यहां पे देखिए ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है हमने क्या निकालना है इनका इंटरसेक्शन ठीक है तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा ए और बी में जो जो कॉमन है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टू थ्री फाइव सेवन तो टू थ्री फाइव सेवन इसमें भी है और इसमें भी है तो क्या हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन टू थ्री फाइव सेवन ठीक है टू यहाँ है थ्री फाइव सेवन और इसमें भी है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया टू थ्री फाइव सेवन ये इंटरसेक्शन होता है अब देखिये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज की उसी तरह इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बी इंटरसेक्शन है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इन दोनों को ब्रैकेट में रखा पहले ये दो थे एसोसिएटिव लॉ है इसमें अब देखो फाइ का जब इंटरसेक्शन करवाएं ए के साथ तो फाइव आता है ठीक है फाइ का इंटरसेक्शन करवाएं ए के साथ तो फाइव आता है ये याद रखने वाली है इसको स्टार कर लेना और दूसरा अगर यूनियन का इंटरसेक्शन ए के साथ करवाएं तो ए आता है ठीक है जैसे कि ये समझ लो ये पूरा यूनियन था अब ये ए है अब ए और यूनियन में क्या कॉमन है सिर्फ ए ही तो आ रहा है ना तो इसलिए ए आंसर आ रहा है ठीक है ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा ए ही होगा यानी कि इस सेट को अगर इसी के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे तो क्या होगा पूरा का पूरा ए कॉमन आ जाएगा पूरा ए कॉमन आ जाएगा तो ए आ गया देखो अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं देखिए प्रॉपर्टी नंबर फाइव क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे कि हमने पढ़ा था ना ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी हो तो क्या लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी तो वही है फ्रेंड्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा ए और बी को पहले कर लो फिर यूनियन लगाओ और फिर ए और सी को कर लिया ए इंटरसेक्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके ऊपर ओवर इंटरसे दैट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन इंटरसेक्शन जो है किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब देखिए इन्हीं प्रॉपर्टीज को वेन डायग्राम में दिखा रखा है ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है ठीक है ये र... ये फर्स्ट में देखो बी यूनियन सी का डायग्राम दिखा रखा है कि बी और सी का जब यूनियन किया तो ये दोनों के दोनों किस में कर दिए ब्लू कलर में यानी कि इनके टोटल एलिमेंट ले लो अब यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी दिखा रहा है ये रहा ए ये रहा बी और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है ना ये इनका इंटरसेक्शन है यानी कि कॉमन है इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स ए यूनियन बी यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा देखो बी यूनियन सी ये रहा बी ये रहा सी इन दोनों का यूनियन यानी कि ये पूरा इस तरह से ये पूरा आ जाएगा यूनियन में ये दोनों पूरे पूरे आ जाएंगे अब इस पूरे का इंटरसेक्शन करवाया किसके साथ ए के साथ ये रहा ए ए के साथ इंटरसेक्शन करवाया तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो बी और सी में और ए में इन तीनों पोर्शन में कॉमन है तो ये हिस्सा जो था ये कॉमन आ रहा था देखो ए और बी यूनियन सी पे तो ये कॉमन है ठीक है अब देखो ए इंटरसेक्शन सी कहा है ए ये रहा कहा है सी ये रहा इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करवाया तो ये रहा इंटरसेक्शन ये आ गया ब्लू पोर्शन कॉमन इन दोनों में ठीक है नेक्स्ट देखिए फ्रेंड ए इंटरसेक्शन बी ये रहा ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पोर्शन आ रहा है ये कॉमन है यहां तक का है ना अब और ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन में ये वाला कॉमन है तो इन दोनों का जब यूनियन किया इंटरसेक्शन का यूनियन किया तो क्या हुआ ये पूरा इधर से इधर ऐसे बन गया ये तो ये थे वेन डायग्राम के थ्रू इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का आ, हमने डिस्क्राइब किया तो तीन तरह के ऑपरेशन हमने पढ़े यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या है आइदर ऑफ सेट बस ऐसे याद रखो आइदर ऑफ सेट यानी कि कोई भी जो सेट होगा उसमें से एक के एलिमेंट इसके आंसर में आएंगे एग्जाम्पल देखो फ्रेंड वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स और टू फोर सिक्स एट ये दो दे रखे थे सेट अब हमने क्या निकालना है A- माइनस बी करो और B- माइनस ए करो तो देखो जब हम करेंगे इसमें जब हम A- माइनस बी करते हैं तो आपको ये बस एक बात ध्यान रखो जब भी A माइनस बी करेंगे तो आंसर में ना ए के एलिमेंट आएंगे और जब बी माइनस ए करेंगे तो आंसर में बी के एलिमेंट आएंगे यानी कि जो बड़े वाला होता है उसके एलिमेंट आ जाते हैं ठीक है ये ध्यान रखना है जिसमें से माइनस कर रहे हो जिसमें से माइनस कर रहे हो उसमें से ठीक है जिसमें से माइनस करते हैं उसके एलिमेंट आंसर में आते हैं कौन से वाले आंसर में आते हैं जो कि सेट बी में ना हो ठीक है अब यहां एग्जांपल से देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू फोर सिक्स एट ए माइनस बी किया ए माइनस बी किया अब ए में देखो फ्रेंड के एलिमेंट थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बी में क्या है टू फोर सिक्स एट तो ए में से टू फोर सिक्स एट काट दो देखो तो यहाँ देखिए टू इसमें था इसमें भी है ठीक है अब फोर काट दिया यहां से सिक्स इसमें है इस एट से मतलब नहीं है हमें ठीक है इस सेट को अगर कोई एक्स्ट्रा आ रहा है उसको नहीं देखना बस हमें वो काटना है जो इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा हो ठीक है मतलब ए से बी वाले वो एलिमेंट माइनस कर दो जो ए में थे अब ए से बच क्या गया हमारे पास वन थ्री और फाइव वन थ्री फाइव ये आंसर है उसी तरह से देखो बी माइनस ए अब बी में क्या था टू फोर सिक्स एट और ए में क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इतने सारे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि टू से वन को माइनस कर दो फोर से टू को इस तरह कुछ नहीं करना हमें इसमें क्या करेंगे देखो यहाँ पे टू यहाँ कहीं है है कैंसिल कर दिया फोर यहाँ है क्या कहीं और पे है ये रहा यहाँ पे काट दिया सिक्स यहाँ है वहां है क्या ये गया हो गया माइनस अब बच्चा क्या एट यहाँ नहीं है ना कहीं पे भी तो वो आंसर है इस वन को नहीं देखना यहाँ तो वन थ्री फाइव बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं है हमें किसको देखना है सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से बच्चे हैं तो वो बच्चा है एट तो ये आंसर हो गया तो बी माइनस क्या सेट हो गया एट ठीक है यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो ए में ना हो एक्सेप्ट दैट सेट मतलब उस सेट के अलावा जो बच जाए एलिमेंट वो क्या होंगे उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होंगे लिखते कि कैसे हैं इसको ए के ऊपर एक डैश लगाते हैं ए डैश ठीक है अब देखो एग्जांपल यू कोई सेट था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ए एक सेट है नाइन तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा वन थ्री फाइव सेवन नाइन के अलावा जो बच गए देखो ये यू था ना इसमें से एक सेट ले रखा है ए अब कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ ठीक है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इन एलिमेंट्स के अलावा जो बच गए वो आपका आंसर होंगे तो देखो वन उसमें है ए में टू नहीं है तो टू लिख लिया थ्री भी है फोर नहीं है फोर लिख लिया फाइव यहाँ है तो फाइव नहीं लिखेंगे सिक्स लिखा सेवन वहां है नहीं लिखेंगे एट फिर नाइन वहां है तो टेन तो आंसर आ गया टू फोर सिक्स एट टेन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया टू फोर सिक्स एट टेन इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है देखिए मान लीजिए ये सेट था यू ठीक है यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाते हैं रेक्टेंगल से है ना जैसे कि यहाँ पे जो था हमारा वन टू थ्री से लेकर टेन तक ये यूनिवर्सल सेट था अब एक सेट ए है जो इसी का एक पार्ट है छोटा ये सेट ए था तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ये सारा पोर्शन क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यानी कि जो ए में है ना एलिमेंट वो नहीं आएंगे उसके अलावा जो भी बच गए वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे किसमें ए कॉम्प्लीमेंट में तो फ्रेंड्स हमने देखा कौन कौन से ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस और एक स्पेशल ऑपरेशन कौन सा सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगाने का अब देखो कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे यूनियन इंटरसेक्शन की थी वैसे कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। क्या है कॉम्प्लीमेंट लॉ पहला क्या है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वही सेट मिल जाएगा इसका क्या मतलब हुआ ये भी हमने डायग्राम देखा था ये क्या था ए ये क्या बाहर वाला क्या बच गए ए कॉम्प्लीमेंट अब देखो अगर इन दोनों को मैं यूनियन कर दूं भाई ए को फिर से जोड़ दो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इन दोनों को मिला के प्लस कर दें तो फिर से यू ही तो बन जाएगा तो यही है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है फाइव देखो यहाँ बुक में ये डायग्राम भी दे रखा है देखो ये ए है और ये बाहर वाला क्या है ब्लू कलर का ए कॉम्प्लीमेंट है अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करवाएं भाई इन दोनों में क्या कॉमन है तो कुछ भी कॉमन नहीं है देखो बाउंड्री से सेपरेट हो रहा है ना दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता जो ए में है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा और जो कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं होगा सेकेंड देखो डी मोर्गन लॉ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके कुल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आप प्लीज इसको मेमोराइज कर लीजिए ठीक है इसके एक्सप्लेनेशन या प्रूफ तो यहां पे दिखाने का कोई बेनिफिट नहीं है तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये आप एज ए फॉर्मूला और प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट हो ठीक है कोई सेट है ए उसका हमने क्या निकाला कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका दोबारा क्या निकाल दिया कॉम्प्लीमेंट तो हमें क्या मिलेगा ए ही मिलेगा ठीक है ठीक है देखिए जैसे ए था उसका उल्टा किया तो बाहर पहुंच गए अब बाहर वाले का फिर उल्टा कर दिया तो कहाँ आ जाएंगे ए में ही तो आ जाएंगे तो यही हो गया डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट एम्प्टी सेट क्या हो गया अगर कोई सेट यू यू है ये यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर कुछ नहीं है ठीक है यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है मतलब अगर कोई ये सेट है फाई फाई क्या होता है जिसके अंदर कुछ ना हो उसका मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा जिसमें सब कुछ है तो वो क्या बन जाएगा यू सेट ठीक है ये सेट यू था इसके अंदर एक फाइल फाई सेट भी होता है हमने पढ़ रखा है अब मैं अगर इस फाई का उल्टा कर दू तो मुझे क्या मिलेगा पूरा का पूरा यू मिल जाएगा अब देखिए यू का कॉम्प्लीमेंट करें अब उल्टी बात अगर यू का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या मिलेगा फाई मिल जाएगा तो ये थी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट इस आज के सेक्शन का फॉर्मूले फॉर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ठीक है कुछ क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के उनमें हम फॉर्मले यूज करते हैं ये दो फॉर्मले क्या कहता है ए यूनियन बी नंबर एन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैसे पढ़ेंगे इसको ए और यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं वो किसके कैसे फाइंड करते है? करेंगे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ए में जितने एलिमेंट हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बी में जितने एलिमेंट हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी में जो जो एलिमेंट है उसको क्या करो इनके प्लस से माइनस कर दो तो ये फॉर्मूला हो गया ठीक है अगर याद रखना तो देखो ए यूनियन बी था ना तो पहले ए फिर बी उसमें से क्या करो इंटरसेक्शन ए बी का माइनस कर दो नेक्स्ट देखिए अगर तीन सेट हो उनके केस में यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है भाई ए बी सी का यूनियन किया उसमें बताओ कितने एलिमेंट है तो कैसे निकलेगा फिर वही पहले ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट सी के एलिमेंट तीनों लिख लिए अब माइनस करना शुरू करो पहले दो के जोड़े ए इंटरसेक्शन बी किया उसमें से माइनस करो उसको माइनस करो फिर बी इंटरसेक्शन सी को फिर ए इंटरसेक्शन सी को और प्लस लास्ट में क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा उसको प्लस करना है ठीक है तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास अब नेक्स्ट क्लास में हम आ, क्योंकि इसमें अभी इस टॉपिक से तो इतने क्वेश्चन मैंने अभी नहीं बनाए हैं तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें क्या करेंगे हम कंप्लीट सेट चैप्टर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे अपनी एक दो वीडियोस में ठीक है तो बने रहिए सीरीज के साथ थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज टू शेयर सब्सक्राइब माय चैनल बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट